जी अब आज हम पढ़ने वाले हैं, पहले हुरूफ पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद कन्वर्सेशन पढ़ते हैं। ये हमारे पास फा है जी, 20वां हर्फ है हमारे पास। फा से है जी फील, फील का मतलब है हाथी, मशहूर लफ्ज है, सबको पता है फील। मेरे ख्याल में उन अल्फाज में से है जो कि अक्सर लोगों को आता है कुरान मजीद। अरब में फील है ही नहीं ना, जैसे हमारे लिए फील बड़ा अजीब है कि हम सबको फील का मतलब आता है, वो अरब लोग वैसे थे। अरब में फील जब आए थे हमला करने वाले, वो जो थे ना अबरहा वाले, वो आए जी थे जी अफ्रीका से, आए थे एरेत्रिया और ये जेबूती जो कंट्रीज है ना, हबशा, ये यहाँ पे जो है वो थे वो लोग हाथी वगैरह। और वहां से फिर वो समंदर में बहुत बड़ा फासला है, लेकिन उन्होंने तय करके यमन आए और यमन से फिर वो मक्का पे हमला किया। तो वो बहुत बड़ी बात थी, यानी बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में भी। इसलिए लोग कहते थे वो जो हाथी वाला दिन था ना, उसके 55 दिन बाद जो है ये वाकया हुआ, उसके बाद ऐसा हुआ ऐसा हुआ। खैर, फील जो है वो बड़ा मशहूर नाम है। फुलूस, फुलूस का मतलब होता है जी पैसे। फुलूस नकूद भी कहते हैं और फुलूस भी कहते हैं। इसी तरह फा से है फराशा, फराशा का मतलब होता है तितली, फराशा तितली। वाह। इसी तरह हमारे पास है जी फा के बाद काफ, मोटा काफ जो है ये काफ से बनता है कसर। कसर यानी महल, महल जो होता है उसको कसर बोलते हैं, कैसल। और काफ से ही कितार, कितार ट्रेन, ट्रेन को बोलते हैं कितार। इसी तरह मतार, मतार पे मीम पे जबर है, मतार, कितार और मतार, इसमें फर्क रखें आप, ठीक है। और मतर बारिश को बोलते हैं। तो ये करीब करीब के अल्फाज हैं, इधर आप जहन में रखिएगा। फिर है काफ से कुफल, कुफल जो है ताला, ताले को बोलते हैं कुफल। ये भी हमें याद रखना चाहिए। और छोटा काफ हमारे पास कश्मीर वाला काफ, काफ से कुर्रा यानी गेंद। फुटबॉल को हम कहते हैं कुर्रतुल कदम, कुर्रतुल कदम। और काफ से है कास, कासुल आलम, वर्ल्ड कप। कास का मतलब है कप, ट्रॉफी, कास। और काफ से ही कल्ब, कल्ब यानी कुत्ता। ये तो कुत्ता तो खैर वो हो गई, गाली हो गई ना, चलो है गाली भी आनी चाहिए ना, भी बल्कि कुत्ता गुस्सा ना। आता मैंने कहा बेचारा है तो सही, अब गाली बना दिया हम लोगों ने, है। लेकिन हाँ वही है ना, वैसे तो है। कुत्ता तो, हाँ कुत्ता क्या करेगा वो। और फिर कुत्ते का बच्चा तो बिल्कुल मासूम होता है भाई, उसको क्या, लेकिन वो हम उसको हमने दोबारा भी बोले, होते दोबारा हैं। बोले है ना। मैंने कहा सर वो बेचारे क्यूट भी बहुत होते हैं ना, कुत्ते के बच्चे जो हाँ होते हैं। ओके, जरियों उसको बोलते हैं जरियन, जरी जरी जरियन जरियन। हाँ जी, पप्पी को मैं जरा एक दफा देखू यार, मुझे याद आ जाएगा। क्या है जी, पप्पी है ना, ऐसे स्पेलिंग है उसके, पप्पी क्या, यस हश पप्पी, पी जर्वन। हाँ देखो जर्वन, जर्व जर्व बोलते हैं जर्व, लेकिन जर्व में वो मजा नहीं है गाली में, क्या आप कहें जर्व या जर्व, ऐसे गाली, ये गाली मजेदार नहीं है, ये जर्व नहीं बोलते हम, क्या इबन अल कल्ब, या इबन अल कल्ब, यबन अल कल्ब, मजा इबन अल कल्ब कहते हैं वो, जरा उसमें जरा दिल दिल को सुकून मिलता आता है। हाँ ऐसे ये जर्व, ये है जी हमारे पास। चलो आते हैं दोबारा। अच्छा का से कल होगा, ठीक है, ये तीन लफ्ज थे बस, तीन हर्फ आपको बता रहे थे। अच्छा जी, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो खाने पीने के हवाले से हमारी गुफ्तगू थी कल, तो हमें पता नहीं कितनी पढ़ी है, हम दोबारा इसको जरा पढ़ लेते हैं। ये जरा पढ़ के सुनाइएगा, अब है ना आपको नजर आ रहा है, एक दफा आप खुद पढ़िएगा फिर मैं शैला से। यस यस अना जायन जिदन, फातिमा अना शाबाना, मोहम्मद अना अतशान लिनश रबु शयन, फातिमा हसन
हया नमशी इला मताम अहमद कम वजबतन ताकुलीना फिल योम आदतन आकुलू फिल योमी सलासा वजबातिन माजा तश्रबीना फिल फतूरी अशरबु शय औ अल असीर माजा ताकुलीना फिल गदाई आकुलू दज्जाजा औ सम أو قدارة متى تتناولين الفواكه؟ कहाँ चली गई है? वही ना, आपका आज आगे कनेक्शन चले? कमजोर है, आप कनेक्शन कमजोर है आपका, आप कमरे में बैठी हो क्या? नहीं सर, मैं तो टेरेस पे आई हुई हूँ, धूप भी लगवा रही हूँ। आवाज नहीं आ रही मेरी? कट जाती है बार बार। अच्छा ओ सर, अच्छा कहाँ थी आप? मता तना वाली ना, यहाँ। यस सर, फवाकिया। हाँ ये नीचे आ जाए। दिखाई दे रहे? अहयानन अतनावलुल फवाकिया फिल आशा अहमद है फिल हकी कतील शेया अल अहाजर है ना, अफदर अहाजरु आपने, अफदलु बादल अशाई। शाबाश। अच्छा जी, अना अरगबू। अरगबु फीही दाइमन, फीही अच्छा इसमें जो है ना, ये कुछ, ये जब मैं दोबारा से दाइमन। पढ़ता हूँ इसको जरा, और आपको भी जरा इसको अंदाजा करें कि ये जो है बड़ा अहम, इसमें बहुत सारे फ्रेजेस हैं, बड़े अच्छे मुरकबात हैं इसमें बोलने के लिए। जैसे हमारे पास है, अभी मैं दोबारा पढ़ता हूँ फिर आपको बताता हूँ। हसनन, ओके जी, ठीक है ठीक है। हसनन, इसको हसनन ही बोलते हैं। इसी तरह है आदतन, आदतन का मतलब होता है आमतौर पर, यूजुअली। और एक और लफ्ज था फिल हकीकते, इनफैक्ट, असल में। फिल हकीकते वल्लाह, यानी अब हम बोलेंगे फिल हकीकते, इनफैक्ट, दर हकीकत, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है दाइमन, दाइमन का मतलब होता है हमेशा हमेशा। तीसरा हैया नमशी, लेट्स गो, ये बड़ा अच्छा फ्रेज है। लिनशरब शेअन, कुछ पीना चाहिए भाई, कुछ पीना चाहिए। इसी तरह लफ्ज है अहयानन, अहयानन का मतलब होता है कभी कभी। तो ये बड़े अच्छे है वो अल्फाज, अगर आप इसको कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा जी, दोबारा मैं इसको जरा देखता हूँ, जरा दोबारा देखें। अना जायअ जिद्दन, मैं बहुत भूखा हूँ। इसकी जगह आप कह सकते हैं अना जवान, अना जवान, मैं बहुत भूखा हूं भाई, बहुत भूख लगी है मुझे, जवान। अच्छा जी, अना शबाना, फिर है अना शबाना, अना जवाना, लड़की कहेगी मुझे बहुत भूख लगी है, अना शबाना, मैं बहुत फुल हूं जी, मैं कुछ नहीं खा सकती, नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, अना शबाना। फिर है अना आतशाना, आतशान यानी के बहुत प्यासा, अना आतशाना, मैं बहुत प्यासी हूँ, लड़का कहेगा अना आतशान। फिर कहता है लेनशरब शयअन, कुछ पीना चाहिए, लेनशरब शयअन, कुछ पीना चाहिए। अगर आप कहते हैं ना जाना चाहिए, लेनजहब, लेनजहब अलआन, अब जाना चाहिए, लेनजहब अलआन, अभी जाना चाहिए। फिर फातिमा कहती है हसनन, ओके ठीक है, हय्या नमशी इला मतअम, चलो चलते हैं जरा कैफेटेरिया, कैफेटेरिया चलते हैं। अहमद कहता है कम वजबतन, कितने खाने, ताकुलीना, सामने लड़की हो तो हम ऐसे या नून का इजाफा करते हैं, अंत ताकुलीना, प्रेजेंट टेंस में सिर्फ, तुम खाती हो, ताकुलीना तुम खाती हो, तजहबीना तुम जाती हो, तमशीना तुम चलती हो, अजी तनामीना तुम सोती हो। तो ये सारे समय ये लगाते रहेंगे हम लोग, ये कल भी आपको बताया था जमीरों के हवाले से। तो ये अंते के सामने ऐसे आता है, अंते के सामने। हकम वजबतन ताकुलीना, तुम कितने खाने खाती हो, फिल यौमे, एक दिन में। फातिमा कहती है आदतन,
यूजुअली आमतौर पर आकुलोफिलियों में मैं खाती हूँ दिन में सलासा वजबात, तीन खाने। माजा तशरबीन फिल फतूर, तुम क्या पीती हो नाश्ते में, फतूर नाश्ते में? फातिमा कहती है अशरबु शाय अविल असीर, या तो चाय पीती हूँ, या औ का मतलब है या, असीर यानी कि जूस, जूस पीती हूँ। अहमद कहता है अच्छा, माजा ताकुलीन फिल गदा, और तुम लंच में क्या खाती हो? आकुलु दजाज, ये दजाज से ना शद हटा दे, जीम के ऊपर शद नहीं है। आकुलु दजाज, मैं चिकन खाती हूँ, अब समक या फिर मछली खाती हूँ, अबिल खुदार या फिर सब्जी खाती हूँ। अहमद कहता है मथा मथा, मथा का लफ्ज बड़ा प्यारा है, कब, वेन। मता ततना वलीना, तुम कब खाती हो, लेती हो फवा के हा, फ्रूट, फ्रूट कब खाती हो भाई? तो फातिमा कहती है अहयानन, कभी कभी, अतना वलुल्फा के हा, मैं फ्रूट खाती हूँ, फिल आशा डिनर में खाती हूँ मैं। तो अहमद कहता है फिल हकीकते, हकीकत तो यह है कि अशाय अल अखदर, ग्रीन टी, शाय अखदर कहते हैं ग्रीन टी को, कहवा को, जो हम इसको हम कहवा बोलते हैं, और अरबी का जब कहवा आएगा तो उसका मतलब होगा कॉफी, कहवा। तो ये शाय अखदर जो ग्रीन टी है, अफदलो बाद अल अशाई, बेहतर होती है डिनर के बाद, अफदलो बेहतर होती है। फातिमा कहती है अना अरगबु फीही, मैं, मुझे पसंद है दाइमन, हमेशा हमेशा, ये अरगबु फी का मतलब होता है कि मुझे हमेशा ये ना इसमें रगबत रहती है, मुझे मतलब तलाश रहती है, मुझे पसंद है हमेशा हमेशा ये, ऑलवेज आई लाइक इट, मुझे पसंद है ये चीज। तो इसमें बहुत सारे तो यहाँ ओहेबो, ओहिबो भी तो आ सकता है, ओहिबो हाँ फी ही। ओहेबो, बल्कि ओहेबो, ओहेबो तो होता है ना कि मैं पसंद है मुझे, नहीं आप पसंद की बात नहीं कर रहे, हम कहेंगे अना उफद्दिल, मैं प्रेफर करती हूँ, अना उफद्दिल, मैं प्रेफर करती हूँ ना दायमन, हमेशा यही, मैं यही दायमन पसंद करती हूँ कि मैं ये पीऊँ। दाइमा। तो ये चक्कर है आज के सबक का, जो आपने देखा कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे वर्ब हैं इसमें, बहुत सारे फ्रेज हैं, आप इसके जरा जुमले बना सकती हैं तो बनाइएगा प्लीज, और मुझे दिखाइएगा फिर, ठीक है? ये आपके लोग आते नहीं है, शहला बीबी भी खामोश है आज, नहीं सर, मैं माइक पे। सुन रही हूँ। अच्छा, चलिए अच्छा जी। तो ये था जी हमारा आज का सबक, ये आसान था आज का सबक, ये असल में आसानी से थे कि हम जो बाकी जो हमारा काम है ना कल वाला, वो बड़ा जरा अहम था, और ये आपने देखा, कल आपने देखा नहीं होगा ये, लेकिन मैंने क्लास उसमें दिखाया है, वीडियो में दिखाया है ये मैंने, ये देखो ये आपको भेजा भी है, तो आपने इसको जरा पक्का कर लेना है, ठीक है? ये जमीरे हैं, बड़ी अहम है, इसको एक दफा देख लीजिएगा, इससे मैंने ये वर्ब बनाए हैं सारे, आप जरा मेहरबानी करके इस तरह के वर्ब बना सकती हैं, तो ना ये 10 वर्ब जमीरे हैं, इसके साथ आप जुमले बना दें, जैसे मैंने ये जुमले बनाए हैं ना, दो छोटे छोटे जुमले हैं, जैसे अंत कसलाना, तुम बहुत सुस्त हो यार, अंत कसलाना या उख्ती, तुम बहुत सुस्त हो लड़की, मेरी बहन तुम बहुत सुस्त हो, ठीक है? अंत मुताखिरा, ओहो तुम बहुत लेट हो। अना आसिफ, आसिफ का मतलब होता है सॉरी, अना आसिफा, मैं आई एम सॉरी, मैं माजरत खा हूँ कि आप बहुत जो है ना मुताखिरा है, लेट है आप, तो इसको जो है ना जरा पक्का कर ले, और ये जमीरों के साथ जुमले लिखे आप, तो फिर बड़ा मजा आएगा, ठीक है जी? काफी है आज के लिए, ये किसी ने भेजा है तो ये आप भी देख लें कि शुक्रन लिल मुसाअदा, शुक्रन लिल मुसाअदा, मदद करने का शुक्रिया, शुक्रन अल तआवुन, कोऑपरेशन करने का बहुत शुक्रिया, शुक्रन अल हदिया, गिफ्ट का बहुत शुक्रिया, शुक्रन अल तआतुफ, ये आपकी शफकत का बड़ी बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, शफकत, तआतुफ, आपकी शफकत का बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, शुक्रन अला हाजा, इस पर बहुत शुक्रिया आपका, इस बात पे बड़ा शुक्रिया आपका, कोई भी बात आप होती है तो ये शुक्रन अदा करने का बड़ा बेहतरीन किस्म के ना अल्फाज हैं, आप यूज करें, ठीक है? अब आप काफी है आज के लिए, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? यस सलामत रहे अब आप, शराब मुलाकात होगी आपसे, ठीक है?
अस्सलाम वालेकुम।